बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा आपको खुश और खुर्रम रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट चाट, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप योगर्ट है, ये मैंने ग्रीक स्टाइल योगर्ट लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है आप प्लेन योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लेन योगर्ट में आपने ये जहन में रखना है कि वो योगर्ट जो है वो खट्टा ना हो। इसकी जगह पे अगर योगर्ट भी नहीं है तो आप बलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप आप बलाई इसमें ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून मेरे पास ये डबल क्रीम है और 1/2 कप मेरे पास ये मिल्क है। ये ग्लेज चेरीज ली हैं मैंने, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो इस्तेमाल करें, नहीं है तो रहने दें। मौसमी फ्रूट हैं, इन फ्रूट्स के अलावा जो दूसरे फ्रूट आपको पसंद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है और ये मैंने आलमंड जो हैं, बादाम ये मैंने इस तरह काट लिए हैं और कुछ मैंने क्रश कर लिए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, 1 कप योगर्ट, ये काफी ठीक है, ये देखें। अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून जो डबल क्रीम थी वो ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जो 1/2 कप मिल्क था वो ऐड करेंगे और इसको विस्क के साथ मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अभी इसमें जो 3 टेबलस्पून हमारे पास शुगर थी वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लेना ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर आपने सारे एप्पल जो हैं, ये कुछ मैंने छील लिए हैं और कुछ अभी छीलने वाले हैं, सारे आपने इसी तरह छील के तो बारीक बारीक काट लेने हैं और कोशिश करें कि ये ज़्यादा देर जो हैं वो बाहर ना रहें ताकि वो काले ना हो जाए। इस तरह आपने सारे एप्पल छील के तो काट लेने हैं। ये बनाना इसी तरह हम सारे काट लेंगे अपने। ये अच्छी तरह बनाना और एप्पल मैंने मिक्स कर लिए हैं। अभी इसमें जो है ये सारे अनार मैं ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसका कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ये जो बादाम थे इनकी हम ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। जी हम इसे डिश आउट करते हैं। और उसके बाद ट्राई करते हैं। ये लें जी, ये इसकी फाइनल लुक है। इसे प्लीज बनाएं और खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और मुझे प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।